हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्नपूर्णा शक्ति ऑफिशियल। हाउ आर यू? तो आज हम लोग जा रहे हैं रुद्रपुर अर्थो को अंत की दवा कराने। हेलो अर्थो, हेलो कर दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? कैसे हो? ठीक है। तो अभी जा रहे हैं क्योंकि अर्थो को प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज डॉक्टर ने बुलाया था देखने के लिए, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसकी क्या रिपोर्ट आती है। तो चलते हैं। तो बस हम लोग कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, बगल में ही हॉस्पिटल है और बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ये देख सकते हैं आप लोग साइड में। ये हॉस्पिटल है जिसमें अर्थ का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, अर्थ को विटामिन डी की कमी हो गई थी और जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी 3 दिन बिल्कुल भी उठा नहीं, चला ही नहीं बिल्कुल भी। उसके पैर पूरे मतलब ऐसे हो गए थे कि वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी हम लोगों को। और फिर हम लोगों ने दिखाया, इसका ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, तो उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा, विटामिन डी थ्री जो होता है विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से ये खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। फिर इसका अच्छे से चेकअप करवाया गया और इसके बाद उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट चला। तो अभी तो पहले से बेटर है, लगभग 20-25 दिन हो गए हैं इसके ट्रीटमेंट चलते हुए, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से आराम नहीं हुआ है। अभी भी चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, जैसे चलता है तो थोड़ा सा लगता है कि में कुछ चोट लगी है ऐसा कुछ, वैसे चलता है। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और यहाँ पे जाके डॉक्टर को दिखाएंगे, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम करता है, इसी वजह से थोड़ा लगता है कि पता नहीं कब सही होगा, ये कितना टाइम लगेगा। तो वैसे जो हम लोगों ने नेट पे पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो उसमें तो ये है कि इसमें होने को तो बहुत जल्दी हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 महीने लग जाते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ आके, लेकिन हॉस्पिटल में आके बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियम भी बनाया हुआ है। तो बच्चे यहाँ फिश है, काफ़ी बड़ी बड़ी फिश रखे हुए हैं एक्वेरियम में, तो ये लोग देखते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए अर्थ जित कितना ज़्यादा खुश है देख के। तो और यहाँ पे छोटे मोटे टॉयज वगैरह है कुछ, जिसमें बच्चे खेलते हैं तो टाइम पास हो जाता है बच्चों का, और बच्चे बोर भी नहीं होते हैं और रोते भी नहीं हैं। और पिछली बार जब अर्थ को गले में गांठ हुआ था तो यहीं से ही उसका ट्रीटमेंट चला था, यहीं पे ही ऑपरेशन कराया था मैंने, जिसमें अर्थ को 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट करके रखा हुआ था। और तब ये इतना ज़्यादा डर गया था क्योंकि इतनी ज़्यादा इंजेक्शन्स वगैरह लग रहे थे इसको, और बहुत पेनफुल होता, आप लोग जानते ही होंगे जो नसों की इंजेक्शन होती कितनी पेनफुल होती हैं, जो बड़े बड़े भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये तो छोटा बच्चा है, तो ये सब चीज़ें इसने 10 दिन तक इतना ज़्यादा मतलब पेन झेला है। 10 दिन क्या, 10 दिन तो एडमिट ही था, उसके आसपास भी जब ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी दिन तक इसके इंजेक्शन लगे हैं सूखने के, और बहुत सारे ट्रीटमेंट चले, एंटीबायोटिक चली है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डर गया था ना कि इसको हॉस्पिटल लाते थे हम लोग पट्टी के लिए, इसका ड्रेसिंग कराने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगता था हॉस्पिटल। जैसे ही हॉस्पिटल के लिए गाड़ी मुड़ती थी हमारी, ये रोना स्टार्ट कर देता था, इतना ज़्यादा डर गया था हॉस्पिटल के नाम से। तो इस बार क्या हुआ कि 1 साल बाद इसके उसी जगह में फिर से हुआ, इसका गांठ हो गई, स्वेलिंग हो गया, तो उसी जगह पे हम लोग काफ़ी डर गए थे कि फिर से ना मतलब ऑपरेट कराना पड़े इसका या कुछ, लेकिन लकली इस बार भगवान की दुआ से 5-6 दिन में इसका जो गांठ थी स्वेलिंग वो तो ठीक हो गई दवा से, लेकिन ये दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जो विटामिन डी की कमी हो गई, उसकी वजह से ये चलने में, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा चलने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो विटामिन डी की कमी से ये चलना ही बंद कर दिया था, 3 दिन तक तो ये खड़ा ही नहीं हुआ, बस उसके बाद फिर यहाँ से ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट कर दी हमने, और ये जो अभी चल रहा है अभी थोड़ा लंबा चलेगा ये, तो ही डॉक्टर बोलते ठीक होगा, लेकिन देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो देखिए अर्थ कितना खुश है यहाँ पे, उसको यहाँ इस बार लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि इस बार उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही इसको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी है, ना वैसे एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा की दिया गया हो इंजेक्शन के थ्रू, तो
इसलिए इतना नहीं डरता है। तो ये देखिए, हम लोग डॉक्टर को दिखा चुके हैं तो डॉक्टर ने यही बोला कि बाकी सब ठीक है, लेकिन इसको पूरी तरीके से ठीक होने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो इसके दवा तब तक चलेगी, तब तक ट्रीटमेंट चलेगा इसका। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली अंदर कैबिन का हम लोग वीडियो नहीं बना सकते थे, अलाउड नहीं है, नहीं तो वो भी आप लोगों को दिखाते कि डॉक्टर से क्या कंसल्ट किया हम लोगों ने, क्या क्या बातें हुई। तो अब चलते हैं, इसके बाद चल के दवा वगैरह लेंगे जो डॉक्टर ने लिखा है। तो ये है, यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर ही है। तो यहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं अर्थ की और फिर जाते हैं घर। तो अर्थ को जब वहाँ जाता है ना, तो अभी क्या है, डॉक्टर साहब वहाँ पे जाके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टॉफ़ियाँ देते हैं, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो अर्थ को फर्स्ट टाइम जब गया था तो अर्थ को टॉफ़ी दिए थे, तो इतना खुश हो गया था, ये देख सकते हैं आप लोग, अभी टॉफ़ी खा रहा है, तो इतना खुश हो गया था ना। तो फिर वो हर बार जब भी जाते हैं तो खुश हो जाता है कि फिर से टॉफ़ी मिलेगी। तो इस जब भी जाता है सबसे पहले डॉक्टर साहब से ट्रॉफ़ी ही लेता है, इसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट कराता है, चेकअप कराता है। तो होता है बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें मिलने तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये देखिएगा अभी ये ट्रॉफ़ी खा रहा है। तो यहाँ से मेडिसिन लेने के बाद फिर हम लोग वापस घर जाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये ट्रॉफ़ी मिली थी अर्थ को। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। तो ये देखिए अर्थ वहाँ पे जिद करके ये जूस ले लेता है, जो कि ये सब मुझे तो स्पेशली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये इसमें इनका टेस्ट इतना ख़राब होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन अर्थ ने इतना ज़्यादा जिद कर लिया था, मुझे फिर लेना पड़ा इसको। अब आप लोग देख सकते हैं इसको लेने के बाद कितना ज़्यादा खुश है ये। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।